करेंगे, कुछ स्पेशल जनरल एंट्री समझेंगे। सम स्पेशल जनरल एंट्रीज, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है बेस्ड ऑन डिप्रिसिएशन। ओके, हाँ ठीक है। क्या है कि अभी हम लोग ने डिस्काउंट के बारे में जान लिया, अब है कुछ स्पेशल जनरल एंट्रीज करेंगे हम लोग। तो कुछ स्पेशल जनरल एंट्रीज है, इसका मतलब स्पेशल इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपके पास आएंगे, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना होगा और उस पर बेस्ड जनरल एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन डिप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन पे बेस्ड जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो डिप्रिसिएशन को समझने के लिए सबसे पहले डिप्रिसिएशन के मीनिंग को समझना होगा, और डिप्रिसिएशन के मीनिंग को हम लोग अभी तो समझेंगे ही, और फिर बाद में आगे जाके डिप्रिसिएशन का और एक सेपरेट चैप्टर आप लोगों को मिलेगा जिसमें पूरा डिप्रिसिएशन के मतलब को समझना होगा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। लेकिन फिलहाल इन शॉर्टली अभी हम लोग सिर्फ जानेंगे कि डिप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, और उसके जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। ओके, तो क्या आज से पहले आप लोगों ने कभी डिप्रिसिएशन वर्ड सुना था? क्या सुना था? नहीं सुना होगा ना, आज से पहले आपने कभी डिप्रिसिएशन नहीं सुना होगा, ठीक है। डिप्रेशन सुने थे? अच्छा, डिप्रेशन सुने थे लेकिन डिप्रिसिएशन नहीं सुने थे, है ना, बिल्कुल ठीक है। देखो क्या होता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। सो डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू रेगुलर यूजेस, फिजिकल वेयर एंड टियर, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, एंड विद द पैसेज ऑफ टियर, यस, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, पहले आप लोग समझ लो उसके बाद नोट करना। क्या बोला जा रहा है डिप्रिसिएशन क्या है? सो डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, मीन्स कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो डिप्रिसिएशन इज द डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। एसेट का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, कोई भी संपत्ति। तो किसी भी संपत्ति की घटी हुई मूल्य, डिक्रीज्ड वैल्यू को हम लोग डिप्रिसिएशन कहेंगे। कब? ड्यू टू रेगुलर यूजेस, फिजिकल वेयर एंड टियर, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड विद द पासेज ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि रेगुलर यूजेस यानी
कि लगातार प्रयोग के कारण, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक बाइक है, तुमने एक नई बाइक खरीदी, ठीक है, और 6 महीने तक बाइक को खूब चलाया, धूम मचाया, ठीक है, और 6 महीने के बाद आपने 1 लाख में बाइक खरीदी थी, और 6 महीने के बाद आप बाइक को बेचोगे 1 लाख रुपये में, तो क्या वो सेल होगी? नहीं, उसकी वैल्यू में कमी आ गई। उसकी वैल्यू में क्या हुई? कमी आ गई ना। क्यों कमी आई? लगातार उसके प्रयोग होने के कारण, है ना, लगातार उसके प्रयोग होने के कारण। तो उसकी वैल्यू में जो कमी आई है उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन। जितना भी मान लो 1 लाख की बाइक है और उसकी वैल्यू में कमी आ गई, जिसके कारण आप उसको 80,000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 20,000 की वैल्यू उसकी कम हो गई, तो वो क्या कहलाएगी? डिप्रिसिएशन। क्लियर है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, फिजिकल वियर एंड टियर, मतलब रख रखाव का। आपने बाइक को रख दिया, पानी बरसा, भीग गया, जंक लग गया, बाइक क्या हो गई? पुरानी हो गई, उसकी वैल्यू में कमी आ गई। ठीक है, बाइक क्या होगी? उतनी में ही बिकेगी जितने में खरीदी थी आपने, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू कमी हो गई। क्यों? रख रखाव के कारण। ठीक है, अब कह रहा है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। आज से कुछ दिन पहले टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, BS4, BS5 ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, तो BS6 आ गई अभी। तो जब भी टेक्नोलॉजी बाइक की, गाड़ी की, जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो जो पुराने टेक्नोलॉजी होते हैं उसका सेल लगता है हेवी डिस्काउंट। हाँ, एक सेकंड, क्या हाँ, किसी और भी चीज़ का, हम और भी चीज़ों का एग्जांपल देंगे। ठीक है, बोलिए। देखो, ये एक टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी मतलब कि जब आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, यानी कि जब बाइक बनती है, मशीन बनता है, तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं, मोबाइल के बारे में तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, मोबाइल के बारे में पता है, मोबाइल में क्या होता है, अलग अलग वर्जन आते रहता है, कभी एंड्रॉयड किट कैट, तो एंड्रॉयड जेली बीन, लॉलीपॉप, ओरियो, है ना, मार्क्स मेलो, अलग अलग आते रहता है ना। अभी कौन सा चल रहा है लेटेस्ट में? अभी क्या चल रहा है? मार्क्स मेलो। ठीक है, चलो मान लेते हैं मार्क्स मेलो चल रहा है, पता नहीं, ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ नया एंड्रॉयड वर्जन आते रहता है ना। अगर मान लो कि कोई नया एंड्रॉयड वर्जन आया मार्केट में, नया एंड्रॉयड वर्जन आया, मान लो मार्क्स मेलो नया आया है, इससे पहले मान लो कोई और था, क्या था? ओरियो, सपोज। ठीक है, और मार्क्स मेलो नया आया है, लेटेस्ट चल रहा है अभी। आप मोबाइल खरीदने जाओगे, आपको बोलोगे कि ये ओडियो वर्जन है, वुड यू लाइक टू परचेज, आप खरीदना चाहोगे? आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, जो लेटेस्ट वाला आया वही दीजिए। ठीक है, तब वो बोलेगा, सुनिए ना, आप इसको ले लेंगे ना, अगर आप ओडियो लीजिएगा फिर हम आपको 5,000 डिस्काउंट देंगे, फिर क्या कीजिएगा? फिर ले लेंगे, है ना, फिर सोचोगे कि चलो, हाँ, तो फिर सोचोगे चलो ले लेते हैं, 5,000 डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब क्या हुई? उसने 5,000 क्यों कमी की? क्योंकि उसकी, क्योंकि उसकी वैल्यू में कमी आ गई। और वैल्यू में कमी क्यों हुई? एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, यानी नया ऑपरेटिंग वर्जन आ गया, नया वर्जन आने के कारण पुराने वाले की वैल्यू कम हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? कम हो गया। तो यानी कि यहाँ भी वैल्यू डिक्रीज हुई एसेट की, तो ये भी एक कारण है जिससे कि डिप्रिसिएशन होगा, यानी जो वैल्यू में कमी आई उसको क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन। ओके, अब क्या कह रहा है? विद द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, जैसे समय बीतता जाता है, आप किसी भी चीज़ का प्रयोग मत करो। आपने 1 साल पहले एक साइकिल खरीदा, उसको रख दिया,
एक साल के बाद आप उस साइकिल को जितने में खरीदे थे उतना ही में बेचना चाहते हो, क्या बेच पाओगे? नहीं, क्योंकि समय बीतने के साथ क्या हुआ, कुछ नए मॉडल आए होंगे, नए कुछ ये हुआ, तो आप उसको ख़रीदना नहीं चाहोगे। तो इन सब कारणों से जो किसी भी वैल्यू में, किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन आपको आगे जाके पढ़ना है, आगे जाके आपको इस डेप्रिसिएशन को एक चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं, ठीक है। देखिए और डिटेल्स में जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम लोग करेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ हम लोग इतना जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी जान लो। तो कैलकुलेट करने के भी अलग अलग फार्मूला होते हैं। जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है तब कैसे करेंगे, जब डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है तब कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ हम लोग जब रेट दिया हुआ रहे डेप्रिसिएशन का तब कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी जिस एसेट्स को हम लोग का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू को लिखेंगे, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय 100, इनटू मंथ बाय 12, ठीक है। मंथ बाय 12 में क्या करेंगे, जिस डेट से जितने दिन का डेप्रिसिएशन निकालना है उतना मंथ यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर जिस डेट से खरीद के जिस डेट को बेचना है उतने दिन का डेप्रिसिएशन, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना होगा तब करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का होगा, ठीक है। अब है कि अब इसके जर्नल एंट्री पे बात करते हैं, रुक जाओ लिखना। अब क्या करेंगे, इसके जर्नल एंट्रीज पे बात करेंगे। अच्छा बताना, डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट होगा? ये बिजनेस में एक तरह से बिजनेस का खर्च है, ठीक है, और ये नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल्स किसके अप्लाई होंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए इसका, अगर हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो नॉमिनल है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस इज इन द डेबिट साइड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन इज इन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे इसका, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एसेट्स अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये कैसे हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो पहले गोल्डन रूल से समझ लो। डेप्रिसिएशन क्या है, बिजनेस का खर्च है, नॉर्मल अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, ठीक है। और एसेट क्या हो रहा है, ये एसेट्स, तो एसेट्स क्या हो रहा है, जब डेप्रिसिएशन हो जाएगा किसी भी एसेट्स में तो क्या होगा, वो एसेट्स घट जाएगा, क्या इनकम्स गेन कहाँ से आया इसमें, ये एसेट्स है ना, ये रियल अकाउंट है, जो आता है उसको डेबिट में और जो जाता है उसे क्रेडिट में। अगर आप लोग के पास 1,00,000 का मशीन था जिसमें 20,000 की वैल्यू में कमी हो गई, इसका मतलब 20,000 का एसेट्स आपके पास कम हो गया, आपके पास चला गया, तो बचा कितना, 80,000 का। तो एसेट्स यानी रियल अकाउंट जाता है तो क्रेडिट में, जाता है तो क्रेडिट में, इसलिए हम इसे क्रेडिट में लिखे। और एसेट्स क्या है, एसेट का रूल क्या था, ये इंक्रीज करता है तो डेबिट में और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट में। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज, एक्सपेंसेज और एसेट्स जब भी इंक्रीज करता है तो डेबिट में, तो यहाँ पर एक्सपेंस खर्च बढ़ रहा है ना बिजनेस का, ये डेबिट में हो गया हुआ। एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है, पहले 1,00,000 का था, डेप्रिसिएशन होने की वजह से अब 80,000 का हो गया,
मशीन मेरे पास, तो यानी हमारी संपत्ति क्या हुई, घट गई, एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो इसे कहाँ दिखाएं, क्रेडिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए, हाँ डिप्रिसिएशन एसेट में ही होगा, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिखना होगा, तो इन शॉर्टली हम लोग लिख सकते हैं बीइंग द डिप्रिसिएशन चार्ज्ड, ओके हम लोग ये लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, रुको पहले लिखना बंद करो पहले। जर्नल एंट्री कैसे हुआ, किसी को प्रॉब्लम, एक बार में एक हाँ, तो फिर लिखने लग गए आप। देखिए यहाँ पे दो अकाउंट हैं, ठीक है, हम लोग अगर गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग सोचे तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल, और ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस इज इन द डेबिट साइड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन इज इन द क्रेडिट साइड। अभी ये क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताया, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट में, इनकम्स और गेन को क्रेडिट में। अगर आपके बिजनेस में डिप्रिसिएशन हुआ, इसका मतलब आपकी बिजनेस में एसेट्स, आपके बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, आपका बिजनेस में एसेट खर्च हो गया, संपत्ति खर्च हुई, ठीक है, ये बिजनेस का एसेट्स है, ठीक है, ये एसेट्स है ना। अब हम इसको लिख रहे हैं धीरे धीरे, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना, तो ये खर्च हुआ ना बिजनेस में, तो ये नॉमिनल अकाउंट है ना डिप्रिसिएशन, तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसिव लॉसेस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में, क्लियर है। एसेट्स मतलब क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आता है तो डेबिट में और जाता है तो क्रेडिट में। नहीं, रियल अकाउंट नहीं लिखना है, यहाँ पे एसेट अकाउंट लिखना है। और एसेट में कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर में आया कि फर्नीचर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अगर मशीन में डिप्रिसिएशन हुआ तो मशीनरी अकाउंट, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग, ये एसेट्स के अकॉर्डिंग हो गया, तो काट दीजिए, काटिए, क्या मतलब है, तो यहाँ पे तुम डिलीवरी करवाओगे, जाओ साइलेंट रखिएगा मोबाइल, ठीक है। तुम समझी, ठीक है, यानी एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है ना, यहाँ से एसेट क्या हो रहा है, हमारे पास से चला गया, 20,000 की कमी हो गई, यानी 20,000 का चला गया, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हो गया। अब अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, एक्सपेंसेस, और ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, एसेट्स, ए ई, एसेट्स और एक्सपेंसेस, जब भी इंक्रीज होता है तो कहाँ जाता है, डेबिट में। इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस की एसेट्स, खर्च हमारे बिजनेस का बढ़ गया ना, हमारे बिजनेस का खर्च बढ़ गया ना, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में, ठीक है। और एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो गया ना, हाँ, पहले पहले 1,00,000 का था हमारे पास एसेट्स, था ना, 20,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, खर्च हो गया, तो घट गया ना, अब 80,000 का हुआ ना, तो एसेट जब भी इंक्रीज करता तो डेबिट में और डिक्रीज करता तो क्रेडिट में, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, इसलिए क्रेडिट में, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। चलो अब नोट कर लो, सबको क्लियर है, और किसी को कुछ पूछना है, क्लियर है ना, नोट कर लो क्वेश्चंस, बिल्कुल क्वेश्चन उस तरह का रहेगा, अभी हम एग्जांपल लेके भी बताएंगे क्वेश्चन कैसा रहेगा, बिल्कुल इसको नोट करिएगा, बोर्ड खाली होगा तभी तो एग्जांपल लेंगे ना। क्या
हाँ, अगर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहेगा, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको फार्मूला में देना है। अगर नहीं देना है मतलब फार्मूला में नहीं निकालना है। अगर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ रहेगा, तब आपको कैलकुलेट करना है। चार्ज्ड बीइंग द डिप्रिसिएशन चार्ज्ड कहाँ, ये लीगल LEGL लीगल। हाँ सर, डिप्रिसिएशन सर लगाया जाए चार्ज के। हाँ मतलब उस एसेट्स पे बिजनेस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, उस यानी डिप्रिसिएशन काटा गया, ठीक है, एसेट पे। क्लियर है? और कोई डाउट है? चल गुड, हो गया, हटाओ इसको। चलो अब कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जनरल एंट्री कैसे रहेंगे, पहले इजी फिर उसके बाद हार्ड। ओके, जैसे ही सबसे पहले तो क्वेश्चन रहेगा चार्ज 5% डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, क्या लिखा होगा, चार्ज 5% डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। और मान लो कि मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 1,00,000, कितना, 1,00,000। तो कैसे इसका जनरल पास करेंगे, रुक जाओ, एक लाइन लिखेंगे फिर वहाँ लिखोगे, डॉट देंगे, अरे पहले समझ तो जाओ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चार्ज 5% डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीन पे 5% डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया। ओके, और वैल्यू कितनी थी मशीन की, 1,00,000। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1,00,000। क्या करेंगे हम लोग, तो पहले यहाँ पे फार्मूला है ना हमारे पास, क्या फार्मूला है, वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी थी, वैल्यू 1,00,000। ओके, रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, हाँ क्या रेट दिया हुआ है, यानी 5/100। एनी स्पेसिफिक डेट नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो कितना आया, 5,000 आया ना। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग को आ जाएगा। बट मैंने बता दिया कि हाँ इसमें दिया हुआ नहीं है ना बाबू कुछ, नहीं आप ऐसे कर दो, जब कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो 12/12 है ना, हाँ तो क्या आ जाएगा 5,000, ठीक है। ये क्या निकला आपका, डिप्रिसिएशन। अब इसको जर्नल एंट्री में हम लोग कैसे शो करेंगे, तो सिंपल है, हमारी मशीन पहले कितने की थी, 1,00,000 की, बोलिए मशीन कितने की थी, 1,00,000 की थी। आ जाओ ना यहाँ, मशीन पहले कितने की थी, 1,00,000 की, 1,00,000 में 5,000 क्या हुआ, वैल्यू कम हो गया, 1,00,000 में 5,000 क्या हुआ, वैल्यू कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एसेट्स कम पड़ गया, हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई, यानी हमारा तो लॉस हो गया ना, खर्च हो गया ना, 5,000 रुपया हमारा क्या हुआ, खर्च हो गया। तो 5,000 खर्च हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कौन से रूप में खर्च हुआ, जो खर्च हुआ वो कौन से रूप में, सैलरी के रूप में, रेंट के रूप में, कमीशन के रूप में, किस रूप में खर्च हुआ, किस रूप में, डिप्रिसिएशन के रूप में खर्च हुआ, किस रूप में,
डिप्रिसिएशन के रूप में 5000 की वैल्यू में खर्च हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंस को डेबिट में लिखते हैं, इसलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना 5000। ओके क्लियर है, क्लियर है। चल अब ये बताओ कि पहले मशीन कितने का था, 1,00,000 का, 5000 का डिप्रिसिएशन हो गया, कितने का बच गया 95,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन की भी वैल्यू कम हो गई, यानी एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट कितने का 5000 का वैल्यू कम हो गया। लिखेंगे नरेशन बी द डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। ओके बोलो किसको प्रॉब्लम है इसमें, बोलिए। 1,00,000 का यहाँ पे 5% कैलकुलेट हुआ तो कितना आया 5000। ठीक है, तो 5000 वैल्यू कम हो गई है और मशीन की, तो यानी वैल्यू कम हो गई, यानी एसेट उतना का घट गया 5000 का, और 5000 हमारे बिजनेस का डिप्रिसिएशन हो गया, बिजनेस का नहीं, बिजनेस में एसेट का। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कहाँ चेंज हुआ, यहाँ नीचे हम बोले तो संपत्ति। ठीक है, तो संपत्ति यानी एसेट, तो एसेट में कौन सा एसेट। ठीक है, जैसे क्या हुआ, मैंने बोला कि फल खट्टे हो जाएंगे तो इस टोकरी में रख देना। ठीक है, फल में यहाँ पे सेब, केला, लीची, अमरूद बहुत सारे हैं, सेब खट्टे हो गया, तो आप क्या करोगे, सारे फल को रखोगे क्या, सेब को रखोगे, सेब को रखोगे ना। वहीं पर यहाँ पे एसेट में कौन सा एसेट का डिप्रिसिएशन हुआ, किस एसेट का डिप्रिसिएशन हुआ, मशीन का, तो मशीन लिख दिया। हाँ ठीक है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, ही? एक एक करके, नहीं उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड तुम्हारा बताते हैं, तुम्हारा क्लियर हो गया, 1,00,000 का क्यों तुम्हारा भी है। चलो इसलिए नहीं करेंगे कि जिस समय 1,00,000 का मशीन परचेज किया गया था तो उस समय एंट्री तो ज़रूर हुआ होगा। मान लो एक साल पहले की बात है, 1 जनवरी को यह मशीन 1,00,000 रुपए में ख़रीदा गया, तो उस समय हम लोग जनरल एंट्री पास किए होंगे ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000, तो उस समय इसकी एंट्री हो गई, उस समय इसकी एंट्री हो गई ना। अभी हो क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है कितने का, तो 1,00,000 में से 5000 की वैल्यू की कमी आ रही है। तो हम 1,00,000 को क्यों लिखेंगे, हम 5000 को लिखेंगे ना, चेंजेस तो सिर्फ 5000 का हो रहा है ना, सिंपल। ओके और कुछ नहीं, 95,000 नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट है बिजनेस में, उपस्थित है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुई है। ओके चलो क्या हुआ, मंथ वाला भी एक एग्जांपल देते हैं। ओके चलो अभी ये तो क्लियर हो गया ना, ये सिंपल है, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट है क्या, पूरा बंद कर दीजिए। चलो अब जो है ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, पहले समझाएंगे तो जब बोलेंगे, पूछेंगे किसी को प्रॉब्लम तब आप लोग बोलिएगा। ठीक है, जब तक नहीं पूछा जाएगा, नो यस सर, नो सर, हाँ सर, हूँ सर, कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग को मौका दिया जाएगा, ठीक है, तब ही आप लोग को क्वेश्चन पूछना। ओके ओके चलो अब ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल तो हो गया, इस तरह का अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो
कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, तो आपसे जब बोला जाए उसकी बात बोलने का रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया, ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कंटिन्यूअसली। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू बता दी जाएगी जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब हम कुछ और टाइप चेंज करते हैं एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल ही है डिप्रिसिएशन से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं, ओके। मान लो सबसे पहले क्वेश्चंस में रहेगा परचेज्ड मशीन वर्थ रुपीज 1 लाख, 1 लाख का मशीन परचेज किया गया, क्या किया गया, 1 लाख का मशीन परचेज किया गया जनवरी 1 को, ठीक है। जनवरी 1 को क्या किया गया, 1 लाख का मशीन परचेज किया गया। जब मशीन परचेज होके आया तो मशीन बहुत भारी था, 1 लाख का मशीन था तो भारी था, तो माथा पे रख के तो नहीं लाएंगे ना, सर पे रख के लाएंगे क्या, नहीं ना, ठेला टेम्पो कुछ तो करेंगे ना। तो जब हम मशीन खरीद के लाए तो उसके लिए क्या किए, एंड पेड वेजेस, मजदूरी दी है वहाँ से यहाँ लाने का, कितना 5,000, कितना 5,000। और उस मशीन को जब लेकर आए तो मशीन को इंस्टॉल करना पड़ा, फिट करने के लिए 5,000 रुपया और दिया गया, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने 5,000 और पे कर दिया, ठीक है। ये मशीन तुम्हें कितने का पड़ा, कितने का, 90,000 का, ओके। कितने का पड़ा, 1 लाख का, कितने का पड़ा, 1 लाख, 1,10,000, ओके। तुम्हारा, हाँ, 1 लाख का, 1,10,000, कितने का, 1,05,000, कितने का, 1,10,000, कितने का, 1,10,000 का। ठीक है, कितने का, 1,10,000 का। देखो अब यहाँ पे इस चीज़ को क्यों मैंने पूछा, क्यों यहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया। अगर मान लो तुम बिजनेसमैन हो और तुम अपने ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, देन आपको एक एक रुपए के हिसाब रखनी होगी, ओके, एक एक रुपए के। आप अगर मान लो कि मशीन खरीदा और मशीन खरीद के लाने के लिए 5,000 पे किए और फिर उसको इंस्टॉल करने में भी आप लोगों ने 5,000 रुपया दे दिए, यानी कि आपको उस मशीन के यूज करने लायक बनाने से पहले तक में आपने कितना देना पड़ा, 1,10,000, कितना, 1,10,000, ओके। यानी कि इसको हम लोग 15,000 कर देते हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज 15,000 कर देते हैं, तो डिजिट अच्छा हो जाएगा, 1,20,000, डिप्रिसिएशन निकालने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यानी कि मशीन को पहले 10,000 में ख़रीदा गया, 5,000 मजदूरी दी गई, वेजेस दी गई उसको लाने के लिए, और इंस्टॉल करने का चार्ज 15,000 दिया, यानी टोटल हमारी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 1,20,000 की। अब कह रहा है कि हम लोग जनवरी यूज़ किया, फरवरी यूज़ किया, मशीन मार्च अप्रैल में जून यूज़ किया, उसके बाद देखिए मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, हाँ मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है,
और एक नया मॉडल आ गया मशीन में, अब मुझे ये मशीन यूज़ करने का मन नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि इस मशीन को बेच देते हैं, ठीक है, मशीन को क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब ये बताओ कि मशीन को जितने में ख़रीदा था उतने में बेचेंगे क्या? नहीं ना, नहीं ना। तो मशीन की डिप्रिसिएशन हो जाएगी। तो मशीन की डिप्रिसिएशन कितनी होगी, कितनी होगी मशीन की डिप्रिसिएशन? तो ये डिसाइड पहले ही हो जाता है कि कितने परसेंट हम लोग अपने बिजनेस में मशीन पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और ये डिप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज करेंगे, ये परसेंट कैसे हम डिसाइड करेंगे कितना परसेंट चार्ज करना है। तो ये अभी थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगा, जब हम लोग डिप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि कैसे हम कहेंगे कि 5% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, 10% क्यों नहीं, 20% क्यों नहीं, 25% क्यों नहीं, 5% क्यों, 10% क्यों, सबका अलग अलग होता है ना। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। लेकिन फिलहाल जो है उसने ये डिसाइड कर रखा था कि उस बिजनेस में मशीन पे डिप्रिसिएशन कितने होगा, 5% का होगा या 10% का, ठीक है। तो लिखेंगे मशीनरी सोल्ड मशीन फॉर रुपीज 80,000 आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उस मशीन को क्या किया, अभी लिखो मत, उस मशीन को क्या किया, उस मशीन को उसने बेच दिया, सोल्ड मशीन फॉर रुपीज 80,000, मशीन को क्या किया, बेच दिया। कितने में बेचा, कितने में, 80,000 में बेच दिया, आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बेच दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्या, हाँ पर एनम, बताता हूँ पर एनम यानी प्रति वर्ष के हिसाब से जब भी परसेंट रहेगा। क्लियर है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या, क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्लियर हो रही है, पक्का बोलो। अब पहले एक बात बताओ, वो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, एक बात बताओ, तुम तो पूछी नहीं, तुम पूछी नहीं, तुम मेरा मुंह देख रही हो, फिर मैंने तुमको बोल दिया बोलो, तो तुमने बोल दिया। अगर मैं तुमको नहीं बोलता कि बोलो, तो तुम ऐसे ही मुंह देखते रह जाती मेरा, नहीं। कब बोलती, जब मैं बताने लग जाता तब, अरे पूछ लिया करो, पूछने का रहेगा, ठीक है, ओके, हाँ अब बोलो, कहाँ से आया, 10% क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। और ये 10% ही क्यों है, इसका कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कितना परसेंट रहेगा, ये जब हम लोग डिप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना उस समय बताएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ बुआ, कि ये चीज़ जो है ना, कि 10 की जगह पर 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है, यहाँ पर बिजनेस में डिसाइड किया हुआ है कि उसके बिजनेस में मशीनरी पे 10% का डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। और वो 10% कैसे होता है, 10 की जगह पर 5 क्यों नहीं है, जब डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे ना तब उस बेसिस पे हम लोग, उसमें हम लोग को पता चलेगा कि क्यों, क्योंकि उसके लिए फार्मूला है। हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट देखते हैं, फिर देखते हैं कि मशीन को कितने दिनों तक हमें यूज़ करना है, हम लोग मशीन का कितना यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से ये परसेंटेज निकाली जाती है। तो वो फिर हम डिप्रिसिएशन चैप्टर की ओर चल जाएंगे, अगर उतना जाएंगे तो। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ ये जानना है कि उस मशीन पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना था। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं ना, चलो क्वेश्चन क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना,
क्या कुछ पूछना चाहती हो? ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, मशीन परचेज किया गया। तो सबसे पहला एक रूल्स आपको याद रखना होगा, सबसे पहले लिखना चाहते तो लिख सकते हो, ठीक है। एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मशीनरी विल बी एडेड टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अभी छोड़ दो, अभी मत लिखो, मैं बोला लिख सकते हो, मैंने बोला लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, जब लिखना होगा तो एक साथ लिख लेना, ओके। फिलहाल के लिए रुक जाओ, पहले समझो क्या बोला जा रहा है कि एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द मशीनरी विल बी एडेड टू मशीनरी अकाउंट। कोई भी खर्च, मशीन से रिलेटेड जो भी खर्च होगा उसको हम लोग मशीन अकाउंट के अंदर में ही दिखाएंगे, ओके। तो जरा सोचो कि सबसे पहले हमने मशीन परचेज किया, तो मशीन क्या है, रियल अकाउंट है, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट में, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, जनवरी 1st को मशीनरी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कैश में बेच रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट, ओके, होगी ना। फिर उसी डेट को हमने क्या किया, वेजेस पेड किया। तो वेजेस जब पेड किया किसके लिए, मशीन के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कोई भी खर्च मशीन से रिलेटेड होगा तो उसको मशीनरी अकाउंट में ही ऐड किया जाएगा। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, फिर यहाँ 5000 और इसमें 5000, ये किए। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्ज किए जो भी मशीन से ही रिलेटेड है, तो फिर से हम लोग एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15000। अच्छा लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है। जब सेम डेट को एक ही बार चीज हो रहा है, सेम डेट को हो रहा है, और सब में मशीन मशीन सब में सेम ही हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000, और ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बताओ, देखो फिर से, लेकिन समझो मैंने क्या बोला, जब हमने मशीन से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा तो उसे मशीनरी अकाउंट में ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मजदूरी क्या है, वेजेस क्या है, मशीन से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज मशीन से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग चाहे दो बार लिख सकते हैं, तीन बार लिख सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा कि एक ही बार लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सारे अमाउंट को जोड़ कर दिखा देंगे। और जब नरेशन लिखेंगे तब लिखेंगे बीइंग द मशीनरी परचेज्ड एंड पेड वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ इसमें 1,25,000 में वेजेस और इंस्टॉलेशन चार्ज भी इंक्लूड है, ठीक है। ये एंट्री हम लोग करेंगे, बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो। तभी करेंगे, नहीं, ठीक है, ये समझ आया, क्योंकि ये मशीन ही हो गया, उसका मशीन का ही कॉस्ट 1,20,000 हो गया, ओके। ये क्लियर है ना, क्लियर है ना, पक्का पक्का, बोलिए क्लियर है। चल अब है
कि 30 जून को क्या किया, मशीन को बेच दिया। क्यों, मैंने बताया था ना मशीन को क्यों बेच दिया था भाई। तो मशीन को इसलिए बेच दिया था कि मशीन अच्छे से काम नहीं कर रहा था, या फिर कोई रीज़न हो सकता है, उसको बेचने का माने बेच दिया। तो मशीन को बेचा कितने में, 80,000 में। मशीन को बेचा कितने में, 80,000 में। कैसे, आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। तो ये बताओ कि मशीन को बेचने के बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा कि बेचने के पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, किस कैसे करेगा, पहले या बाद में? पहले करेगा। क्यों भाई, क्योंकि पहले करेगा तभी तो पता चलेगा ना कि उसकी वैल्यू कितनी है, इसलिए क्या करेगा, पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। अब ये बताओ, 1,20,000 का एसेट है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना आएगा? आपने क्या बोला था अभी कि सर मंथ का यूज होगा, वो वाला बताइए, बोला था ना। मशीन कितने की है, 1,20,000 की, ठीक है। रेट कितना है, 10/100। मशीन खरीदा कब गया, 1 जनवरी को। बेचा कब गया, जून को। कितने दिन तक हम यूज़ किए मशीन का, 6 मंथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6/12। क्या लिखेंगे, 6/12। अब बताओ मशीन की कितनी आई डिप्रिसिएशन, कितनी आई, 6,000। ठीक है, ये कट गया, ठीक है, यहाँ से ये कट गया, कितना आया, 6,000। यानी मशीन में कितने का डिप्रिसिएशन हुआ, 6,000 का हुआ ना। तो डिप्रिसिएशन के लिए जनरल एंट्री करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 6,000 बीइंग द डिप्रिसिएशन चार्ज्ड। बोलो, किसी को प्रॉब्लम, क्लियर है क्या, नहीं ना, पक्का ना, क्लियर। चलो अब हम मशीन को बेच देते हैं, बेच देना, बेचे, चलो मशीन को बेचेंगे तो बताओ मशीन हमारे पास आएगा कि हमारे पास जाएगा, मशीन चला जाएगा, और आएगा क्या, पैसा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे, सेम डेट को, यानी कि June 30 है, आप लोग लिख लेना जब बनाओगे तो, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है, कितने में 80,000 में, 80,000 में ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 80,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग द मशीनरी सोल्ड, ठीक है, अभी लिखना नहीं है, रुक जाओ। ये क्लियर हो गया, हो गया ना, और इसमें एंट्री पास होगा क्या, और एंट्री पास होगा नहीं। ये बताओ कि मशीन कितनी वैल्यू थी बेचने के टाइम, मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, यानी 1,20,000 का मशीन था जिसमें 6,000 की क्या हो गई, डिप्रिसिएशन हो गई। पहले समझ लो, इम्पॉर्टेंट है, समझ लो बाबू, पहले 1,20,000 में से 6,000 क्या डिप्रिसिएशन हो गया, कितना बचा, 1,40,000 का मशीन, यानी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 1,14,000। डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 1,14,000। लेकिन बेचा कितने में, तो 1,14,000 का मशीन को हमने 80,000 में बेच दिया, तो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हो गया ना, कितने का, 34,000 का, कितने का, 34,000 का। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको 34,000 का लॉस हुआ, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे आप दिखाओगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है तो लॉस खर्च है ना, ये लॉस है ना हमारा, तो लॉस को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना 34,000, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। और इसके जगह पे चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे देखो दोनों में क्या हुआ है, दोनों का क्रेडिट सेम है ना, दोनों का क्रेडिट साइड सेम है ना, तो आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश आया 80,000, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हुआ 34,000। और ये दोनों कंडीशन में क्या हुआ, मशीन ही की वैल्यू ही हमारी कम हो रही है, अगर हम बेच रहे हैं कैश आ रहा है तो उतने का मशीन हमारे पास से जा रहा है, और अगर हमारा लॉस हो गया यानी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, दोनों में कितने का हो गया टोटल मशीन, यहाँ पर 80,000 और यहाँ पे 34,000 कितने का था, यानी 1,14,000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग द मशीनरी सोल्ड एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक ये कब होगा, जब हम एक नंबर इसको, ये एक नंबर ट्रांजेक्शन, दो नंबर, तीन नंबर, तो ये कब करेंगे, और दो और तीन के बदले, दो और तीन के बदले यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ओके। एक अलग से करना पड़ेगा, दो और तीन के बदले हम एक साथ दिखा सकते हैं, क्लियर है, क्लियर है, पहले नोट करो और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर पूछो, पहले नोट कर लो। चलिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ये एंट्री, ठीक है, उसके बाद आपको ये एंट्री, उसके बाद ये एंट्री, ठीक है, और ये करने के बाद चार नंबर ये एंट्री होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये जो है तीन और चार, ये जो है ना तीन और चार के बदले एक बार में दिखा सकते हैं इस एंट्री को, ठीक है, थ्री और फोर के बदले, ठीक है, थ्री ये है फोर ये है, तीन दोनों के बदले एक साथ आप चाहो तो दिखा दोगे, और एक साथ ही दिखाना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछो वन बाय वन करके, आपको है, ठीक है, आपको है अदिति, इसमें इसमें किसी में प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, चलो आपको है, आपको है मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं, ओके, आपको नहीं, नंदिनी ड्राइवर आपको है नहीं, तो ये क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग, चलो ये हो गया। अब जो है एक आप लोग के लिए क्वेश्चन, ठीक है,
क्या बोल रहा है कि ए लिमिटेड कंपनी हैज मशीन वर्थ रुपीज 10 लाख, 10 लाख की मशीन है, एक कंपनी है जिसके पास 10 लाख की मशीन है, ठीक है, और 80,000 का फर्नीचर है, ठीक है। कह रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन मशीन, ऑन मशीनरी, ठीक है, एंड 5% ऑन फर्नीचर, सो द जर्नल एंट्री ऑफ डिप्रिसिएशन। चलो इसको बना सकते हो, कुछ ड्यूरेशन नहीं, नो, बनाओ जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग देख लेना, सही बना है, गलत बना है, मिला लो, ओके, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड कंपनी हैज, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है जिसके पास 1 लाख का मशीन, 10 लाख का मशीन था और 80,000 का फर्नीचर था। कह रहा है चार्ज डिप्रिसिएशन 10% पर है ना एंड मशीनरी 5%। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेट वेट का कोई पंगा नहीं है, तो सीधे क्या करो, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आप लोग वर्किंग नोट में इस तरह से लिख सकते हो, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पहले क्या लिखोगे, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, 10 लाख, 10/100, 10% है ना मशीन पे, 10% है ना, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 12/12 कर दोगे, ठीक है, कितना आया, कितना डिप्रिसिएशन आया, 1 लाख। फिर आप लोग लिखोगे, ठीक है, इधर से काटेंगे, इधर से। अब कह रहा है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हो गया, कितना है, 80,000 इंटू 5% है ना, 100 इंटू फिर 12/12 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5% कितना आ जाएगा, कट जाएगा, कितना, 5% है, यानी कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब जो, हाँ, 4,000, अच्छा 80,000 है ना, 8 लाख का निकल गया, ठीक है, ठीक से बताया करो, 80,000 का 5% हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8,000, 10%, 5% कितना हो जाएगा, 8,000, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4,000, अरे यार बार बार हम 10%, एक बार तुम लोग बोलो, कंफ्यूज हमको भी मत करो, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है तुम लोग का, इसका 1 लाख आ गया 10%, इसका कितना आया, 5%, क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो अब देखो जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, सिंपल, हम लोग को डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन के लिए हम लोग के बिजनेस में जब डिप्रिसिएशन हो तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और किसके किसके ऊपर हो रहा है, तो मशीन, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, एक साथ दोनों पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर अलग अलग भी कीजिएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट तो भी सही है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट तो भी सही है, अगर आप एक साथ भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आया इस पे, 1 लाख, और इस पे कितना आया, 4,000 ना, 4,000, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1 लाख 4,000, ठीक है।
1,04,000। अब डायरेक्शन हम लोग लिख देंगे इस तरह से, बीन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। ओके चलिए, आप जब अलग अलग शो करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन लिखेंगे। बीइंग द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, और फर्नीचर वाला में बीइंग द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। नहीं, आप अलग लिखोगे, 1,00,000 अलग लिखोगे और उसके बाद चार्ज अलग दिखाओगे। नहीं बिल्कुल है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या थाना जी? क्लियर है? चलो तो आज की सभा समाप्त।